बजाज फाइनेंस करें शुरुआत बजाज फाइनेंस बेचने की राय बेचने की राय लग ही रहा था आ, आ, लेवल्स में कैश मार्केट के दे रहा हूँ आपको फ्यूचर्स में लेवल थे नहीं कैश वाले लेवल ही देता हूँ सात का स्टॉक होगा सात हजार एक सौ सात हजार तीस रिजल्ट वैसे आप किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे नतीजे बढ़िया हैं Uh, उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं मज़ा नहीं आया दीप मज़ा नहीं आया लॉन्ग टर्म गाइडेंस ठीक है शॉर्ट टर्म गाइडेंस वीक है पहली चीज गाइडेंस वीक है ग्रोथ कम होने का डर इन नतीजों में और मैनेजमेंट की आवाज में शब्दों में साफ नजर आ रहा है uh, निम्स थोड़े से कम हुए हैं चार पाँच परसेंट अगर आज घट जाए ये तो बाजार का मूड ठीक होता दिख रहा है अगर खराब मूड होता है देख के तो अच्छा सा भी जा सकता था तो आई थिंक आज किसी को खरीदने की जल्दी और हड़बड़ी तो है नहीं hmm. तो अब ये कितना घटता है यही इसको डिसाइड करना है तो so ये आपके लिए लेवल से बेचने की राय से मजा नहीं आया hmm. दूसरा स्टॉक है जहाँ बेचने की राय है वो है एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ भी मैं कैश के लेवल ही दे रहा हूँ पाँच हजार दो सौ पचास का स्टॉक लोस है टारगेट आपका बनेगा दीप पाँच हजार चार हजार नौ सौ और चार हजार आठ सौ अस्सी ठीक है ठीक hmm. है ये भी आज, अच्छा नहीं लगात अच्छा, गाइडेंस तो गा। मतलब भी इन्होंने कम किया है पता नहीं मतलब ये पे कैसे बच सकता कोई स्टॉक तो बैंड बच सकती है मतलब मैं हर एक लेवल पर मैंने देख लिया नंबर्स बहुत ही ढीले है मार्जिन साढ़े सत्रह से की उम्मीद थी सत्रह के नीचे आया है एबिट पर कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सब तरह से खराब है अगर सात आठ परसेंट घट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा सात आठ परसेंट जी एक्सीडेंटेंटेंट पाँच रहा था खराब छह परसेंटा घटा है ना बिल्कुल तो वो वैसा ही है जो खराब है वो है सो तो मुझे लगता है कि ये एक नंबर ये नंबर का ठीक है तीसरा है बहुत ही मेरा बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल नंबर्स के लिहाज से इंडस बैंक आप इधर से उठा के देख लो नंबर आपको खराब नहीं लगेंगे बहुत नंबर अच्छे हैं hmm. उम्मीद से बेहतर है हर एक hmm. पैरामीटर पर पे। फिर भी मेरा शॉर्ट कॉल है hmm. क्यों पहले लेवल सीखिए स्टॉप लॉस होगा आपका पंद्रह सौ पच्चीस का hmm. कैश में चौदह सौ से पंद्रह सौ पैंसठ स्टॉप लॉस के आसपास अगर गलती से ऊपर खुले तो वहां बेच सकते हैं थोड़ा सा ऊपर में प्रॉफिट बुक कम से कम एक चीज पहले करिए कि इस नंबर पे लेना नहीं है आपको ओके पहले जी क्लियर कर लीजिए फिर इस नंबर पर ऊपर में बेचना है क्यों नंबर है बेटर उम्मीद से लेकिन इंटरनल है वीक hmm. और इंटरनल क्या वीक है स्लिपेजेस और प्रोविजंस दोनों बढ़ के आए जो दोनों बाजार को पसंद नहीं आएंगे नंबर वन नंबर टू एच बैंक और एक्सिस बैंक ने एन आई एम्स इंप्रूव किए ये नहीं कर पाया hmm. अभी क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट में बदलाव के बाद इंडस इन बैंक प्रोमिस तो बहुत कर रहा है कमेंट्री भी बड़ी मजबूत देता है आप में जोश भी आता है अगर आपने इंडस इन बैंक का शेयर लेके रखा है लेकिन डिलीवरी नहीं आ रही डिलीवरी नहीं आ रही सो so, मेरा ये समझना है कि मार्केट थोड़ा इसको पनिश कर सकता है आज है ना तो लेने का तो दिमाग से निकाल दिया दूसरी बात जो कल मैंने विश्लेषण कर रहा था कि एक्सिस और आईसीसी को एच डी और आईसीसी को अलग लीग में छोड़ दिए सेकेंड लीग में आपके तीन स्टॉक हैं इंडस इन एक्सिस और कोटक 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 हो गया उसका जो तो कल मार्केट कैप के मुकाबले कल ने कोटक को ओवरटेक exactly. तो मैं सात आठ परसेंट बढ़ सकता है नहीं बोल। कल नहीं। किसी भी हिसाब से नंबर पे भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा हमने बहुत स्ट्रॉग बोल्ड खोल दिया पांच परसेंट जितना तो कम से कम बनता है क्यों देखिए खुद एक्सिस अपने पीएस से अच्छा कर रहा है और उनके दो पीएस खराब कर रहे हैं इंडस्ट्री बैंक पिट सकता है सपोर्ट लेवल है 1140 और ग्यारह सौ पैंसठ hmm. यश के बता रहा हूँ हायर लेवल्स बारह सो बीस सो अब आपको क्या करना है नंबर एकदम खराब अच्छा है खराब है लेकिन आउटलुक दिया बढ़िया अच्छा दिया ठीक है हम क्या करेंगे

क्लियर तो मुझे नंबर खराब नंबर नंबर खराब नंबर तो अच्छी नहीं बोल सकता लेकिन मुझे कमेंट्री वाइज और जिस तरह से मैनेजमेंट की पोस्ट है ये ठीक हो जाना चाहिए ओके okay, चलिए ये है आपके लिए सारे नतीजे इंटरेस्टिंग विश्लेषण दिया टाइम मिला ना मेरे को जिस दिन मुझे टाइम मिलता है विश्लेषण बढ़िया कभी कभी शाम को कुछ खबरें आ जाती है कभी कुछ मीटिंग्स हो जाती है कुछ हो जाता है कम टाइम मिलता है भाई है तो दिन में चौबीस घंटे आज एकदम सारे नंबर्स देखें